हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट इज सिंपल मेथड एंड द सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड। हम अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक पॉइंट बता दे रहा हूं, चाहे हम सिंपल मेथड से कैलकुलेट करें या फिर हम अपने प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करें, हमारा आंसर सेम आना है। सो द फॉर्मूला ऑफ सिंपल मेथड इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ अपॉन 12। एंड द फॉर्मूला फॉर द प्रोडक्ट मेथड इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। अब यहां पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे, सो हम यहाँ पर दोनों मेथड को एक एक बार करके क्वेश्चन लगाएंगे। फर्स्ट हम सिंपल मेथड को पिक करेंगे, इसके बाद से हम आपको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। और दोनों मेथड में जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लगा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस है, वो जब मर्जी जा रहा है अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, मीन्स अपना ड्रॉइंग कर ले रहा है अपने पर्सनल पर्पज के लिए। डेट दिए हुए कि इस डेट पर वो विड्रॉ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 1 मई को विड्रॉ किया 20,000, 31 जुलाई को विड्रॉ किया 10,000, 30 सितंबर को 30,000, नवंबर 30 40,000, जनवरी 1 20,000, 31 मार्च 25,000। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करते हैं अपने पीरियड का, कि यहां पर कितने टाइम पीरियड के लिए जो है वो विड्रॉ किया गया है। एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताते हैं कि अगर आप पैसा बैंक में अपने डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको उतने ही दिन का इंटरेस्ट देती है जितना दिन आपका पैसा बैंक में है। उसी तरह से एक पार्टनर जब विड्रॉ करता है तो जितने टाइम के लिए वो ड्रॉ करता है उतने ही टाइम का उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहा है, चारू इज अ पार्टनर, चारू एक पार्टनर है और उसका एक फर्म है। शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो जिस डेट पर भी विड्रॉ होगा उस डेट से लेकर हम 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि अब देखिए, 1 मई से अगर हमें 31 मार्च तक जाना हो तो कितने मंथ के हमारे ड्राइंग चार्ज किए जाएंगे इंटरेस्ट के लिए। तो काउंटिंग अगर करेंगे तो या तो आप मई से लेकर मार्च तक काउंट करिए या फिर आप छोटा सा और पैटर्न इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका टाइम पीरियड शुरू होता है अप्रैल टू मार्च, तो आप ऐसे काउंट करिए, अप्रैल के बाद आया मई और मई फर्स्ट ही हो गया। तो जब किसी मंथ में फर्स्ट ऐड हो जाता है, मतलब अगर किसी मंथ की फर्स्ट डेट है तो वो मंथ हम काउंट करते हैं, और अगर किसी मंथ की लास्ट डेट आती तो उस मंथ को हम काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मई से लेकर जाएंगे मार्च तक, तो मई तो काउंट करेंगे, तो अप्रैल माइनस हुआ और मई तुरंत आ गया, तो मई को तो आप रखना ही है, सिर्फ अप्रैल माइनस कर दिए। तो टोटल ईयर हमारे जो होते हैं, टोटल ईयर में एक हमारे जो मंथ आते हैं वो होते हैं 12 मंथ। तो 12 में से 1 मंथ माइनस कर दिया, सिर्फ अप्रैल जो नहीं था, तो आ गया हमारा 11 मंथ। ठीक, फिर आप काउंट करिए जुलाई के लिए, तो जुलाई 31 है यानी जुलाई महीना खत्म हो गया है, तब विड्रॉ किया है। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीने का हमारा इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। जुलाई से 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो आएंगे हमारे 8 मंथ। फिर इसी तरह से सितंबर से मार्च काउंट करेंगे, तो देखिए सितंबर के बाद, सितंबर तो पूरा खत्म हो गया, तो सितंबर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल हो गए 6 मंथ, क्योंकि ये सितंबर 30 तो सितंबर काउंट होगा नहीं। फिर आया हमारा नवंबर 30, तो नवंबर तो खत्म हो गया। फिर आया दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी टोटल हमारे हो गए 4 मंथ। फिर आया जनवरी 1, तो मंथ हो जाएंगे 3 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च। और फिर 31 मार्च, तो 31 मार्च और 31 मार्च तो एक भी दिन नहीं हुआ ना, तो यानी वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा, यानी हो गया 0। ठीक, ये हमारा हो गया टाइम पीरियड। अब इसके बाद से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, जो यहां पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पर जैसा कि हमने आपको सिंपल मेथड का बताया है, तो सिंपल मेथड में फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मंथ अपॉन 12, ये हमारा फॉर्मूला है। अब कंडीशन क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना है हमारे पास 20,000 का, तो हमने 20,000 का अमाउंट ऑफ विड्रॉ किया, पहले लिखा 20,000 मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100। रेट कितना है क्वेश्चन में, तो 9% का हमारे पास ये रेट दिया है जो कि यहां पर है, तो 9/100 हो गया, मल्टीप्लाई बाई फिर क्या लिखा है हमने, मंथ अपॉन 12, तो यही मंथ मीन्स कितने मंथ के लिए हमारा है, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा है 11 मंथ के लिए, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, 11/12। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटर तो यूज करने के लिए मैंने आपको स्टार्ट से ही मना कर रहा हूं। कैलकुलेशन देखिए जल्दी से फास्ट किस तरह करेंगे, ये देखिए 3 3 9, 3 4 12, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। ठीक,
अब क्या करेंगे हम, यहां पर हमारे पास 11 दिखता है और ये 4 है, तो ये देखिए 4 से ये कटा, ये 4 5 से हो गया 20 और ये हो गया 0 यहां पर आ गया। अब क्या करेंगे, 5 3 से 15 और ये हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब आपको 11 से या तो मल्टीप्लाई करिए जैसा कि आप हमेशा से करते आए, जिस तरह से इस तरह से 150 मल्टीप्लाइड बाय 11, फिर इसका 1 से करिए, फिर 1 से करिए, फिर इसे लिख के फिर ऐड करिए, तो बहुत पुराना मेथड हो गया है वो। अब आप उसको छोड़ दीजिए, हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं। जैसा कि हम शुरू से बताएं कि पढ़ा आपको सब कोई देगा, लेकिन हम न्यूमेरिकल को फास्ट सॉल्व करने की ट्रिक सिखाएंगे, जो कैलकुलेशन फास्ट कैसे होते हैं। तो देखिए यहां 150 और 11 है, तो ये ट्रिक सिर्फ वहीं अप्लाई होगी अगर हम किसी नंबर का 11 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब। तो फॉर एग्जाम्पल 150 का 11 से मल्टीप्लीकेशन हुआ तो आंसर में 0 तो आना ही है हमारे, तो 0 को हम यहाँ साइड में नोट कर दे रहे हैं बस, ठीक है, क्योंकि जो आंसर आएगा बस उसमें 0 नोट कर देना। अब यहां पर क्या दिख रहा है हमें, बस 15 मल्टीप्लाइड बाय 11, और किसी भी नंबर का 11 से मल्टीप्लीकेशन करना तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, जिस नंबर से मल्टीप्लीकेशन करे बस वो नंबर लिखिए और उस नंबर को प्लस कर लीजिए आपस में, मतलब ये 15 का मल्टीप्लाई 11 करना है ना, तो 1 और 5 प्लस किया तो कितना आंसर आया, 6, और जो नंबर आता है बस उसको इनके बीच में रख दीजिए 6, यही आपका हो गया आंसर, मतलब आंसर इज 165। आप चाहिएगा ना तो कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ये ट्रिक है छोटी सी जो आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई भी नंबर दिया गया, फॉर एग्जांपल 25 का मल्टीप्लाई करना 11 में, तो आप देखिए कुछ नहीं करना है, 5 और 2 हुआ 7, बस यहां रख दीजिए 7, 275 आंसर हो गया आपका तुरंत, ठीक है ना, देख के आंसर आप बताएंगे। लेकिन ये सिर्फ सिंगल डिजिट ही रखना है, अगर डबल डिजिट आ जाता है, फॉर एग्जांपल हम आपको बता देते हैं क्योंकि तो कभी भी कोई भी कैलकुलेशन में चीजें आ जाती हैं, तो अगर हमने कहा फॉर एग्जांपल 75 का मल्टीप्लाई करना है तो 7 और 5 को प्लस किया तो आ जाएगा 12, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इट डजंट मीन कि आंसर आप कह देंगे सर हमारा आंसर हो जाएगा 7125, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि डबल डिजिट आया ना प्लस करने पे और हम सिंगल ही सिर्फ रखते हैं, ठीक है, सिर्फ सिंगल ही रखेंगे, तो डबल आ जाए तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, 7512 हुआ तो 5 तो लास्ट में आंसर में आना ही है, जैसे देखिए लास्ट में तो 5 आना ही है, ठीक है, जो लास्ट वाला नंबर ये हो गया और इसके बाद से इन दोनों को प्लस किया तो 12 है, तो 12 में हम सिर्फ 1 प्लेस यूज करेंगे मींस 2, ये 2 वाला नंबर यूज किया और 1 क्या हो जाएगा इसमें कैरी प्लस हो जाएगा, मींस 7 में 1 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 8, आंसर इज 825। इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो हम आते हैं अपने इस कैलकुलेशन के ऊपर, जो हमारा आंसर आया है 165 और ये जो 0 हमने रखा था बस ये 0 ऐड कर दिया तो आंसर हमें क्या मिल गया, 1650, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप अपने मेथड से चाहें तो कैलकुलेशन करके देख भी सकते हैं, यही आपको आंसर मिलने वाला है। अब इसके बाद से इसी तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करके अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको एक और सॉल्व करके दिखा देता हूं फास्ट किस तरह से करना है, 10,000 और 8 मंथ के लिए निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग हो गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट है 9 मल्टीप्लाई बाय मंथ कितना है यहां पर 8, तो यहां पर हो जाएगा 8/12, ठीक। अब क्या करेंगे ये देखिए 4 2 8, 4 3 12, 3 3 9, 00 से 00 कैंसिल, यहां पर 100 है, ये हो गया 3 2 6 और 6 का 100 में मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 600, द आंसर इज 600। फास्ट करना है आपको बिना कैलकुलेटर यूज किए। अब इसी तरह से आप सेम फॉर्मूला यूज करके आप सारे क्वेश्चन के इस आंसर को निकाल सकते हैं। तो हमें तो आपको बस आपको सब चीजों बताना था, मैं बता चुका हूं, हम डायरेक्ट आंसर नोट कर देते हैं इसके ताकि हम आपको आगे प्रोसेस जल्दी से चल सके। तो 1350 इसके लिए आएगा, अब आप कर लीजिएगा 1350, नेक्स्ट के लिए हमारा है 1200, ठीक, आफ्टर दैट 450 और नेक्स्ट हमारा जो है, यहां पर आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जब भी मंथ में हमारे जीरो आएगा तो अगर मंथ में जीरो दिखा मतलब अगर 31 मार्च को कोई भी ड्रॉइंग हो रहा है तो उसका इंटरेस्ट हमेशा जीरो होगा, ये याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च के यहां पर फॉर एग्जांपल अगर आपने मंथ में जीरो रखा जैसे ही तो ये जीरो तो ये पूरा जीरो और जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन गया जीरो, ठीक है, तो यानी कि इसके लिए इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा जीरो। अब आपको कुछ नहीं करना है, सभी को प्लस कर लीजिए। अब चलिए सभी को प्लस कर लिया जाए तो आंसर आ जाएगा आपका 00, ये 0 प्लस हुआ 0, ये हो गया 5 5 10, 10 5 15, 15 में 1 कैरी हुआ, 6 6 12, 18 18 4 22, 2 3 4 5, 5250, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप चाहिएगा तो ऐड करके चेक कर लीजिएगा एक बार, ये आपका आया है इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट आपको एक साल का कितना देना है, किसे, चारू को,
तो आपका आंसर आया 5250। अब देखिए हम इसी सेम क्वेश्चन को अब अपने दूसरे मेथड से यूज करेंगे, विच इज प्रोडक्ट मेथड। अब हम प्रोडक्ट मेथड को इसी सेम क्वेश्चन से लगाएंगे, आपको बताना कि हम अगर प्रोडक्ट मेथड से लगाएंगे तो भी देखिएगा आंसर हमारा 5250 ही आएगा। ठीक है, तो हम एक जगह नोट कर लेते हैं 5250 हमारा आंसर है और ये आया हमारा सिंपल मेथड से। ठीक है, हमने इसे नोट कर दिया। अब यहां पर हम इस इरेज करते हैं और अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट प्रोडक्ट मेथड पे। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि हम रेगुलरली वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं और आपको लॉकडाउन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इरेज करके अपने प्रोडक्ट मेथड के ऊपर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना नेक्स्ट मेथड अब आ रहा है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का हमने आंसर नोट कर दिया है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन हमने पिक किया है, अब इसे हम लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड से। और एक और बात मैं बता दे रहा हूं आपको, कहने के लिए ही सिर्फ ये सिंपल मेथड है, लेकिन इजी जो है आपके लिए वो प्रोडक्ट मेथड ही पड़ेगा। अभी देखिए कैसे, आप जब सिंपल मेथड लगाए थे तो आपको बार बार कैलकुलेशन करना पड़ रहा था इंटरेस्ट का, बार बार आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12, इसके लिए सबके लिए करना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सिंपल मेथड में यहाँ इंटरेस्ट लिखा था, यहाँ पे बस प्रोडक्ट लिख दिया गया, प्रोडक्ट मेथड हमारा है और कुछ नहीं करना है। ये तो ऐसे एज इट इज दिया ही, आपने निकाल लिया ये दोनों के लिए। आपको करना क्या है, बस मल्टीप्लाई करके यहाँ प्रोडक्ट पे लिख देना। फॉर एग्जाम्पल 20,000 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 टू जर हो जाएगा आपका तुरंत 22, और जीरो है जितने उतने लिख दीजिए 1234, तो 1234 और आपका वैल्यू आ गया 220,000। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, तुरंत कहेंगे सर 80,000। ठीक है, फिर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18, मतलब 1,80,000। तो तुरंत यहां पर नोट कर दिया 1,80,000। ठीक, फिर नेक्स्ट है 4 4 16 मींस 1,60,000, 1,60,000 तुरंत लिख दिया। फिर देखिए 3 2 6 60,000, तुरंत यहां पर 60,000 लिख दिया। और ये तो कहेंगे सर ये तो जीरो है, किसी भी नंबर का जीरो मल्टीप्लाई करिए आंसर आपको जीरो मिलेगा। अब क्या करना है, टोटल कर लीजिए। तो ये देखिए 000000000000, ठीक है, फाइनल आंसर में हमें मिल गया टोटल प्रोडक्ट में अभी 000000। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखिए 000000 जीरो भी हो गया, फिर 8 और 2 हो गया 10, 10 और 8 हो गया 16, 16 में जैसे ही 6 प्लस किया, ठीक है, तो 16 प्लस 6 हो गया 24, और 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30, तो 30 में फिर 0, फिर 3 कैरी आया। अब 3 कैरी प्ले चलिए प्लस, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, मींस आ गया 7 लाख, यानी टोटल जो प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट्स हैं, अब यहां पर हमने आंसर में लिख दिया टोटल प्रोडक्ट्स कितना आया 7 लाख। अब चलिए टोटल प्रोडक्ट में फॉर्मूला देखिए क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया 7 लाख, तो जस्ट इसी फॉर्मूले में अप्लाई किया 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, तो रेट तो फिक्स है 9%, तो 9/100 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या है, हमने सभी एक एवरेज निकाल लिया अपने प्रोडक्ट का, तो यहां पर हम मंथ अपॉन 12 हर बार बार नहीं लिखते जैसा सिंपल में किया था, यहां पर सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं 1/12, यहां पर एवरेज हमने काउंट किया सारे प्रोडक्ट्स को लेके, तो इसीलिए हम यहां पर 1/12 लिखते हैं, आपको याद रखना चाहिए। फिर 1/12 जैसे ही यूज किया, अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ये 00 से ये 00 पहले कैंसिल हो गया, अब 12 से इसको कैंसिल हमें करना है। तो पहले देखिए सबसे अच्छे से नंबर आपको देखिए फास्ट कैलकुलेशन दिखना चाहिए, कौन सा नंबर तुरंत कटेगा, तो ये देखिए 3 3 9, 3 4 12, ठीक, अब इसको देखिए 4 से इसे कैंसिल करें, ये पूरा नंबर 4 से कैंसिल होगा, तो 4 1 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 7 से अगर काटा तो 3 3 0 हो जाएगा 30, ठीक है, ये देखिए 3 0 बन गया 30, अब 4 7 फिर करेंगे तो हो जाएगा 28, फिर बचा रिमाइंडर 2, फिर 2 0 बन गया 20, और 20 अब जैसा है तो 4 5 20, और देखिए अभी 1 0 और बचा है तो वो भी यहां नोट कर दीजिए एज इट इज। अब फिर क्या करना है, इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देना है 3 में, तो मल्टीप्लाई करिए तो 3 0 0, 5 3 15 1, 7 3 21 और 1 कितना हो गया 22, फिर 2 रिमाइंडर, फिर 3 1 3 और 2 5, इंटरेस्ट कितना आ गया 5250। अब देखिए सिंपल मेथड से लगाया था भी 5250, प्रोडक्ट मेथड से लगाया तो भी हमारा 5250। ठीक, तो देखिए हम चाहे मेथड कोई भी यूज करें, आंसर हमारा क्या हो रहा है, सेम आ रहा है दोनों ही कंडीशन पे। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये थोड़ा इजी लगा होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई किया एक बार फॉर्मूला, बस आपको लगाना है आंसर आ गया, सिंपल मेथड में बार बार फॉर्मूला लगाना है।
ठीक है। तो आपको जो भी इजी लगे, हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ ये भी, आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा, ठीक है, जैसा कि हम अपने हर लास्ट वीडियो में बताते हैं, तो ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दो मेथड था सिर्फ, सिंपल एंड प्रोडक्ट, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन करने के बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। जैसे मंथली ड्राइंग होगा तब क्या केस होगा, क्वार्टरली होगा तो क्या केस होगा, सिक्स मंथली होगा तो, नाइन मंथली होगा तो, और इन सब के भी अपने अपने तीन तीन केसेस आते हैं। मतलब अगर महीने की पहली तारीख को बिगिनिंग में किया तब, आखिरी तारीख में एंड में किया तो, और बीच में यानी कि अगर मिडिल में किया तो, क्या इसमें सब डिफरेंसेस होंगे। तो इन सारे केसेस को लर्न करने के हम आपको एक प्रोसेस में एक छोटी सी ट्रिक सिखा देंगे, आपको तुरंत लर्न हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन हो जाएगा, तो जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।